बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने मल्टीपल इफेल्स पढ़ा था, उसके कुछ प्रोग्राम्स किए थे। मल्टीपल इफेल्स कहाँ पे हम यूज करते हैं, जहाँ पे हमें हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं और हमने उनमें से एक कंडीशन को अगर ट्रू होती है तो उसके अकॉर्डिंग हमने कोई ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना होता है। कल की लेक्चर के अंदर हमने प्रोग्राम्स किए थे, तो आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए जो रिमेनिंग प्रोग्राम्स हैं मल्टीपल इफेल्स के, आज हम वो करेंगे। अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही है तो आप चैट सेक्शन में ओके कर दें। हमारा 11.11 जो है वो प्रोग्राम है, ठीक है। उसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है यहाँ पे। स्टेटमेंट क्या है? राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टेस्ट स्कोर्स, ठीक है। टेस्ट स्कोर यानी कि मार्क्स हमने लेने हैं ऑफ स्टूडेंट। एक स्टूडेंट के हमने टेस्ट स्कोर लेने हैं एंड डिस्प्ले, और डिस्प्ले करना है हमने हिज ग्रेड अकॉर्डिंग टू गिवन क्राइटेरिया, ठीक है। उसका ग्रेड डिस्प्ले करना है हमने। किस तरह करना है? यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिया हुआ है ये टेस्ट स्कोर्स हैं। अगर उसके जो लेट्स से के मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 से ऊपर आते हैं तो उसका ग्रेड क्या होगा? ए ग्रेड होगा। अगर 80 से 89 के दरमियान में आएंगे तो फिर उसका बी ग्रेड होगा। अगर 70 से 79 आएंगे तो उसका ग्रेड सी होगा, और अगर 60 से 69 आएंगे तो उसका ग्रेड डी होगा, और अगर बिलो 60 आते हैं तो उसका ग्रेड एफ शो करना है आपने। तो यूजर से हमने क्या इनपुट करनी है? हमने यूजर से उसके टेस्ट स्कोर इनपुट करना है, ठीक है। और उसको हमने कंपेयर करना है यहाँ पे कंडीशंस के अंदर कि जो यूजर एंटर करेगा अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होगा तो ए ग्रेड होगा, अगर 80 से 89 के दरमियान में होगा तो बी होगा, और इसी तरह सी डी और एफ यहाँ तक हमने जाना, ठीक है। तो इसका कोड करते हैं। स्टार्टिंग के अंदर हम अपनी हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, hash include conio.h, void main। उसके बाद हमारी बॉडी आ जाएगी और यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे क्लियर स्क्रीन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जस्ट एक वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर हमने यूज जो स्टूडेंट का टेस्ट स्कोर जो है वो इनपुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंट टेस्ट स्कोर, ठीक है। टेस्ट अंडरस्कोर स्कोर ये वेरिएबल हमने क्रिएट किया है, ठीक है। अब इसको हमने यूजर से इनपुट करना है, तो यूजर को पहले मैसेज डिस्प्ले करते हैं प्रिंट एफ के साथ, प्रिंट एफ एंटर टेस्ट स्कोर्स, ठीक है। उसके बाद स्कैन एफ के साथ हमें इसको इनपुट करेंगे। यहाँ पे हम परसेंट इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने टेस्ट स्कोर के अंदर इनपुट करनी है, और टेस्ट स्कोर की जो डेटा टाइप है वो इंट है, और इंट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफाई परसेंट यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस ऑफ टेस्ट स्कोर हम, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे टेस्ट स्कोर आ जाएगा। अब इसको कंपेयर करते जाना है, हमने मल्टीपल इफेल्स यूज करते हुए हम इसको लिखते हैं। यहाँ पे देखें, इफ अगर जो टेस्ट स्कोर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा? इसका मतलब उसका ग्रेड जो है वो क्या है? ए ग्रेड है। प्रिंट एफ योर ग्रेड इज ए, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये वाली, इसका कब फॉल्स होगी? जब वो 90 से कम होगा, ठीक है। तो 90 से कम होगा ये फॉल्स होगी, तो ये एल्स के ऊपर जाएगा, तो एल्स के साथ हम यहाँ पे इफ लगाया हुआ है, ठीक है, मल्टीपल इफ एल्स। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या है? अगर उसके जो
टेस्ट स्कोर उसने एंटर किया हुआ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है। देखें 90 को 89 को यहाँ पे लिखा हुआ है ना 89, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर ये कंडीशन फॉल्स ही तब होगी जब जो उसके मार्क्स हैं वो 90 से कम होंगे, ठीक है, इसलिए कंट्रोल यहाँ पे जाएगा। तो उसको हम सिर्फ ये चेक करेंगे क्या वो ग्रेड लेस देन, तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि 90 से लेस है फॉल्स होने की सूरत में, और यहाँ पे टेस्ट स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 अगर होगा तो उसका ग्रेड फिर क्या होगा, बी ग्रेड होगा। तो यहाँ पे प्रिंट है, Your grade is B, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन। अगर ये कंडीशन अब कब फॉल्स होगी, जब उसका स्कोर 80 से कम होगा, ठीक है, अगर 80 से कम होगा तो फिर नेक्स्ट पे कंडीशन फॉल्स होगी तो हम नेक्स्ट else if पे जाएंगे। यहाँ पे अगेन हम कंडीशन मेंशन करते हैं टेस्ट स्कोर जो यूजर ने एंटर किया है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 70 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करना है हमने, योर ग्रेड इज सी। अगर ये कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब उसके मार्क्स जो हैं वो 70 से कम होंगे तो एल्स इफ के ऊपर जाएगा, ठीक है, एल्स इफ के अंदर यहाँ पे हम कंडीशन मेंशन कर देते हैं टेस्ट स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 60 होगा तो क्या होगा, उसका ग्रेड डी होगा। प्रिंट है, योर ग्रेड इज डी, ठीक है। यहां पे देखें अगर 60 से बिलो होगा तो ग्रेड एफ शो करना है। तो यहां पे देखें अगर यूजर का यहाँ पे 90 से स्टार्टिंग के अंदर देखें 90 से कम होगा तो यहाँ पे जाएगा, ठीक है, अगर 80 से कम होगा तो ये कंडीशन फॉल्स होगी सेकंड वाली, तो कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, अगर 70 से कम होगा तो कंट्रोल नीचे चला जाएगा यहाँ पे एल्स इफ के अंदर। यहाँ पे अगर टेस्ट स्कोर 60 से भी बिलो होगा तो इट्स मीन ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो ऑब्वियसली बात है कि ये उसका ग्रेड एफ ही होगा। तो यहाँ पे हमें जब आखिरी जो चीज हमने लिखनी है यहाँ पे सिर्फ हम एल्स लिखेंगे और यहाँ पे प्रिंट है, योर ग्रेड इज एफ, ठीक है। होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पे फिर ये आखिरी स्टेटमेंट, इसके बाद यहाँ पे हम गेट सी एच लगा देते हैं और प्रोग्राम हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोबारा से देख लें कि हमने यूजर से उसके टेस्ट स्कोर यानी कि मार्क्स इनपुट करने थे और हमने उसका ग्रेड बताना था अकॉर्डिंग टू दिस गिवन क्राइटेरिया, ठीक है, ये क्राइटेरिया उसने दिया हुआ था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया टेस्ट स्कोर के नाम से, ठीक है, और फिर उसको यूजर को मैसेज शो करके उसको इनपुट हमने ले लिया। अब इस टेस्ट स्कोर को हमने कंपेयर करना है इन जो उसने हमें ये क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर उसका टेस्ट स्कोर जो है, इफ टेस्ट स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो उसका मतलब क्या, उसका ग्रेड क्या है, ए है। तो यहाँ पे देखें इफ टेस्ट स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 तो प्रिंट एफ, योर ग्रेड इज ए, ठीक है। अगर उसका ग्रेड 90 से कम होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये यहाँ पे कंट्रोल जाएगा। और यहाँ पे देखें अगेन क्या लिखा हुआ है, टेस्ट इफ टेस्ट स्कोर इज ग्रेटर देन 80, 90 से कम और 80 या 80 से ज्यादा होगा तो उसका ग्रेड क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। अगर उसका ग्रेड जो है, जो उसने टेस्ट स्कोर एंटर किया है वो 80 से भी कम है तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो कंट्रोल आपका नेक्स्ट एल्स इफ के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेस्ट स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, ये बिलो 80 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 70, अगर ये ट्रू होगी कंडीशन तो आपके पास ग्रेड सी आएगा, ठीक है। एल्स अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कंट्रोल नेक्स्ट एल्स इफ पे जाएगा। और यहाँ पे अगेन कंडीशन जो हमारी लास्ट वाली है, ये वाली, इफ ग्रेड इज टेस्ट स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 तो ग्रेड डी होगा, अगर ग्रेटर देन 60 नहीं होगा तो इट्स मीन कि कंडीशन फॉल्स होगी तो उसका
60 से कम होगा तो लास्ट वाला हमें कंडीशन के साथ चेक करने की जरूरत नहीं है, वो हम जस्ट एल्स लगा के तो योर ग्रेड इज एफ लिखेंगे। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें अगर आपको नजर आ रहा हो स्क्रीन के ऊपर लिखा आ रहा है एंटर योर टेस्ट स्कोर, लेट्स से कि यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ 69। ठीक है, अब 69 किस रेंज के अंदर आ रहा है उसके ऊपर मेरा जो ग्रेड है यहाँ पे ये देखें, के ऊपर जो ग्रेड आ रहा है वो डी आ रहा है। तो आउटपुट के अंदर मुझे यहाँ पे अब देखें 69 मैंने एंटर किया है, अब 69 कंपेयर कैसे होगा, यहाँ पे देखें टेस्ट स्कोर के अंदर 69 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। ठीक है, तो ये क्या है, ये कंडीशन फॉल हो जाएगी, 69 90 से ग्रेटर नहीं है तो कंट्रोल जो होगा वो नेक्स्ट एल्स इफ के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे अगेन टेस्ट स्कोर जो कि मैंने 69 एंटर किया हुआ है, 69 is greater than equal to 80, ये भी condition false हो जाएगी क्योंकि 69 80 से greater नहीं है, तो next else if के ऊपर जाएगा, test score यानी कि 69 is greater than 70, तो यहाँ पे भी देखें 69 70 से greater नहीं होता। ठीक है, तो condition again false हो जाएगी, तो आपका जो control है वो next if else के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे देखें test score 69 is greater than equal to 60, यहाँ पे देखें 69 greater than equal to 60, तो यहाँ पे condition true है, 69 60 से greater होता है, तो आपका ये जो print है your grade is D, ये वाली statement execute होगी और आपके पास जो output आएगी वो आएगी your grade is D। ठीक है, अब इसको run करते हैं, देखें मैं 69 मैंने enter किया, enter press किया मैंने 69, जैसे ही enter press किया तो यहाँ पे देखें आपके पास जो grade आ रहा है वो क्या आ रहा है, डी ग्रेड आर्ट। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लेट से 49 एंटर करता हूँ, अब 49 क्या है, यहाँ पे 49 के ऊपर जो ग्रेड आना है, देखें बिलो 60 है तो बिलो 60 के ऊपर क्या आएगा, ग्रेड एफ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें योर ग्रेड इज एफ। ठीक है, अगर इस प्रोग्राम की किसी को समझ नहीं आई लॉजिक की तो आप बता सकते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं, आप नेक्स्ट प्रोग्राम है 11.12, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है ये, प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स है, राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल। टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक सिटी बिल। ठीक है, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना है। ठीक है, और जो द रेट्स पर यूनिट और एज फॉलोज, अब रेट्स क्या है, फर्स्ट पे जो पहली जो वो बता रहा है, इफ यूनिट्स कंज्यूम्ड are less than equal to 300, ठीक है, the cost is 2 rupees per unit, ठीक है, if unit consumes are greater than 300 हो और less than 500 हो, if units consumed are greater than 300 units हो और
लेस देन इक्वल टू 500 हो तो कॉस्ट जो होगी द कॉस्ट इज 5 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, और अगर यूनिट्स जो हैं वो ग्रेटर देन 500 हो, इफ यूनिट्स कंज्यूम आर ग्रेटर देन 500, द कॉस्ट इज 7 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, उसके बाद उसने क्या लिखा हुआ है, अलाइन रेंट ऑफ आर एस 150 शुड बी एडेड इन टोटल बिल। और उसके बाद एक और स्टेटमेंट लिखी है, इफ टोटल बिल जो है वो एक्सीड कर जाता है एक्सीड 2000, तो उसके अंदर क्या करना है, 5% सरचार्ज शुड बी एडेड। ठीक है, ये एक लेंथी स्टेटमेंट है। यहाँ पे देखें स्टार्टिंग के अंदर इसको, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना है आपने, और जो रेट्स पर यूनिट है यानी कि एक यूनिट का जो रेट है वो उसने बताया कि अगर उसकी यूनिट्स जो कंज्यूम हुई हैं वो लेस देन इक्वल टू 300 है, ठीक है, 300 या 300 से कम है तो उसकी जो एक यूनिट की कॉस्ट होगी वो कितनी होगी, 2 रुपीज होगी पर यूनिट। ठीक है, अगर उसकी जो कंज्यूम यूनिट्स हैं वो 300 से तो ज्यादा है लेकिन 500 या 500 से कम है तो जो पर यूनिट का रेट होगा वो क्या होगा, 5 रुपीज होगा। ठीक है, और अगर 500 से ज्यादा उसकी यूनिट्स कंज्यूम हुई हैं तो जो पर यूनिट जो आपने उसकी प्राइस लेनी है वो कितनी लेनी है, 7 रुपीज लेनी है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, यूनिट्स यूजर से हम इनपुट करेंगे और कंपेयर करेंगे कि क्या उसकी यूनिट्स कितनी है, अगर उसकी यूनिट 300 या 300 से कम है तो यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। ठीक है, अगर उसकी जो यूनिट्स हैं वो ग्रेटर देन 300 हैं लेकिन लेस देन इक्वल टू 500 हैं तो उस जो यूनिट्स यूजर एंटर करेगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह अगर उसकी जो यूनिट्स हैं वो 500 से ज़्यादा होंगी तो क्या होगा, जो यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7 के साथ। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसके अंदर हम 150 ऐड करेंगे लाइन रेंट। ठीक है, और फिर चेक करेंगे कि अगर उसका बिल जो है वो 2000 से ज्यादा होगा, ठीक है, 2000 से ज्यादा होगा तो बिल का 5% हमने उसके अंदर दोबारा इंक्लूड करना है टोटल बिल के अंदर। ठीक है, होप सो कि आपको स्टेटमेंट की समझ आ गई होगी। ठीक है, इसे कोड करते हैं। ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h वाइड मेन। ठीक है, क्लियर स्क्रीन। अब यहां पे हमें कुछ वेरिएबल चाहिए, पहला वेरिएबल हमें चाहिए जो यूनिट्स हमने यूजर से इनपुट करनी है। ठीक है, यूनिट्स
और उसके साथ में एक वेरिएबल जब ये यूनिट्स को उनकी पर यूनिट के साथ प्राइस के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगा उसको लेट्स से कि हम कहते हैं बिल कह लेते हैं इसको, दूसरा वेरिएबल। ठीक है, इसके बाद हमने एक और फ्लोट वेरिएबल बना लेते हैं टोटल अंडरस्कोर बिल के नाम से, जो हमारे पास फाइनल बिल होगा। ठीक है, अब यूजर से हमने इनपुट क्या करना है, यूजर से हमने इनपुट करनी है यूनिट्स। तो पहले यूजर को मैसेज दिखा देते हैं कि एंटर करो यूनिट्स को, प्रिंट एप एंटर यूनिट्स। ठीक है, यूजर को मैसेज शो किया, उसके बाद स्कैन एफ के साथ हमने इसको क्या करना है, इनपुट करना है तो परसेंट डी एड्रेस ऑफ यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे देखें यूनिट्स को के अंदर हम इनपुट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट यूज कर रहे हैं, इसलिए कि जो यूनिट्स की डेटा टाइप है वो क्या है, इंट है। ठीक है, हमारे पास यूनिट्स आ गई, अब हमने चेक करना है कि उसकी यूनिट्स जो यूजर ने एंटर की हैं क्या वो 300 से कम है, क्या वो 500 से कम है, या फिर वो 500 से ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पे देखें इफ यूनिट्स इज ग्रेटर देन 500, ठीक है, अगर 500 है तो क्या होगा, तो जो बिल है यूजर का वो किसके इक्वल, बिल वाला वेरिएबल कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये टोटल बिल नहीं है, बिल इज इक्वल टू, अगर 500 से ज्यादा हो तो किसके साथ हम यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के साथ। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अगर उसकी 500 से ज्यादा है यूनिट्स तो क्या होगा, 7 के साथ हमें उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर यहां पे देखें 500 से कम होगी यहां पे, इफ एल्स इफ, ठीक है, अगर ये कंडीशन, उसकी यूनिट 500 से ग्रेटर नहीं है, इट्स मीन कि वो 500 से कम है, तो यहाँ पे एल्स इफ, अगर यूनिट्स जो हैं वो ग्रेटर देन 300 है। ठीक है, ये वाली है जो ग्रेटर देन 300 है, ऑब्वियसली बात है कि जो पहली कंडीशन फॉल्स जब होगी ये वाली, तो जो यूनिट्स हैं वो 500 से कम होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो 300 से ज्यादा है तो उस जो पर यूनिट बिल है वो कितना आएगा, बिल इज इक्वल टू यूनिट मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, और अगर 300 से भी ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इट्स मीन के 300 से यूनिट्स कम है, तो यहाँ पे जस्ट हम एल्स लिखेंगे और लिखेंगे बिल इज इक्वल टू यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट्स का बिल आएगा वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। अगर यूनिट्स जो हैं वो 500 से ज्यादा होगी तो यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ और बिल के अंदर स्टोर कर देना है। अगर यूनिट 300 से ज्यादा होंगी लेकिन 500 से कम होगी तो यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ और बिल के अंदर स्टोर कर देना है। उसके बाद अगर 300 से भी कम होंगी तो यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ और बिल के अंदर आपने स्टोर कर देना है। ठीक है, यहां तक हमने जो ये प्रोग्राम का हिस्सा था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट देखें, अलाइन रेंट ऑफ 150 शुड बी एडेड इन टोटल बिल। ठीक है, तो ये जो बिल आ रहा है हमारे पास ये वाला, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना है, 150 ऐड करना है, तो यहाँ पे जस्ट सिंपल लिखें बिल इज इक्वल टू, बिल के अंदर कितना ऐड कर दो, बिल प्लस 150। ठीक है, ये जो है ये आपने हर सूरत ऐड करना है सारे बिल्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखें बिल इज इक्वल टू बिल प्लस 150। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो आखिरी लाइन है, इफ टोटल बिल इज एक्सीडेड 2000, अगर 2000 से एक्सीड कर देता है, नॉट 2000, 2000 से अगर बिल ज्यादा होता है तो बिल का 5% आपने क्या करना है, ऐड करना है टोटल बिल के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इस बिल के अंदर एक वैल्यू कोई ना कोई आ जाएगी, ठीक है, कैलकुलेशन के बाद। ठीक है, तो अब हम क्या चेक करेंगे, इफ बिल जो यूजर ने एंटर किया वो ग्रेटर देन 2000 है, ठीक
ठीक है, तो 5% ऑफ बिल वो हमने क्या करना है, अब हम यूज करेंगे वेरिएबल ये टोटल बिल वाला जो फाइनल हमारे पास जिसके अंदर रिजल्ट स्टोर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इफ बिल इज ग्रेटर देन 2000, तो यहाँ पे टोटल बिल किसके इक्विवेलेंट होगा, बिल जो बना है उसके अंदर हमने 5% ऑफ बिल ऐड करना है, इसी का 5%। वो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 100.0, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, हम बिल के साथ, ठीक है, इसको भी ब्रेक करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास 5% आ जाएगा बिल का। देखिए यहाँ पे बिल का 5% हमने निकाला, ठीक है, और उसको बिल के अंदर हमने क्या करे ऐड किया और उसको फिर हमें टोटल बिल के अंदर स्टोर किया, ठीक है। अगर उसका बिल 2000 से ज्यादा नहीं है तो सिंपली क्या कर दें, टोटल बिल टोटल बिल इज इक्वल टू 2000, ठीक है। अगर बिल जो है 2000 से ज्यादा है तो उसके अंदर हमने क्या किया, ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो बिल के अंदर हमने ऐड करना है इसी बिल का 5%। तो 5% कैसे आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बिल के साथ, तो आपके पास जो आएगा 5% बिल का आ जाएगा, उसको ऐड किया आपने बिल के अंदर और टोटल बिल के अंदर स्टोर कर। अगर उसका वो बिल जो है ये वाला वो 2000 से ग्रेटर नहीं होता, ठीक है, तो फिर क्या होगा, वो टोटल बिल जो होगा वो बिल के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यूजर को ये उसका बिल शो करना है कि टोटल उसका बिल कितना है, तो यहाँ पे आप प्रिंट एफ बैक स्लैश एन, ठीक है, और यहां पे लिखेंगे योर बिल इज, अब देखें ये बिल हमने शो करना है तो इसकी डेटा टाइप यहाँ पे देखें क्या है, इसकी डेटा टाइप है फ्लोट, तो यहाँ पे जो प्रिंट एफ की फॉर्मेट स्ट्रिंग है इसके अंदर हम यूज करेंगे परसेंट एफ और यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे टोटल बिल, ठीक है, नीचे गेट सी एच और उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो होगा वो हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ इस कोड को, प्रोग्राम की स्टेटमेंट ये थी कि यूजर से आपने लेनी है यूनिट्स इनपुट करनी है और उसका बिल कैलकुलेट करना है। बिल कैसे कैलकुलेट करना है, अगर यूजर ने जो यूनिट्स एंटर की हुई है वो अगर 300 या 300 से कम है तो एक यूनिट की जो प्राइस होगी वो 2 होगी, 2 रुपीज होगी। अगर उसकी जो यूनिट्स उसने एंटर की है वो 300 से ज्यादा लेकिन 500 से कम होगी तो यहाँ पे जो पर यूनिट प्राइस आएगी वो 5 रुपीज आएगी, और अगर यूनिट्स जो है वो ग्रेटर देन 500 है तो सिंपली आपने जो पर यूनिट रेट रखना है वो 7 रुपीज रखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, 3 वेरिएबल क्रिएट किए, एक यूनिट्स जो हमने यूजर से इनपुट करना था, फिर हमने बिल एक वेरिएबल किया और जो फाइनल जिसके अंदर हमारा बिल स्टोर होगा उसके लिए हमने टोटल अंडरस्कोर बिल, ठीक है। यूजर से इनपुट लेने के लिए हमने यूजर को मैसेज शो किया प्रिंट एफ एंटर यूनिट्स, उसके बाद फिर स्कैन एफ के साथ हमने यूनिट्स के अंदर इनपुट कर। अब ये यूनिट्स यूजर ने एंटर किए हैं उसको हमने इफ एल्स मल्टीपल इफ एल्स यूज करते हुए हमने कंपेयर किया, अगर जो उसकी यूनिट्स हैं जो यूजर ने एंटर किए हैं वो 500 से ज्यादा है, ठीक है, तो जो बिल है बिल जो यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं हम 7 के साथ और बिल वाले वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करते हैं। अगर 500 से ज्यादा नहीं है तो कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के ऊपर जाएगा, यहाँ पे अगेन इफ लगी हुई है,
तो यहाँ पे देखिए यूनिट्स ग्रेटर देन 300, अगर 300 से ज्यादा होगी यूनिट्स पे तो, लेकिन 500 से कम होगी तो यूनिट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ और स्टोर कर देना है 3 के साथ। अगर 300 से भी ज्यादा नहीं है तो इट्स मीन कि 300 से कम है वो, तो उसके लिए आपने यूज करना है यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ और उसको स्टोर कर दें बिल के वेरिएबल के अंदर, ठीक है। उसके बाद भी लिखा हुआ था अलाइन रेंट वन ऑफ वन आर एस 150 शुड बी एडेड इन टोटल बिल, ठीक है। तो यहाँ पे देखें बिल के अंदर हमने कितना ऐड किया 150 रुपीज उस हमने ऐड कर दिए, ठीक है। और आखिरी स्टेटमेंट थी कि इफ टोटल बिल एक्सीड 2000 5% सरचार्ज शुड बी एडेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमने अगेन इफ बिल इज ग्रेटर देन 2000, अगर 2000 से बिल ज्यादा है तो बिल के अंदर हमने ऐड करना है इसी बिल का 5%। तो वो कैसे 5% आएगा, 5 divided by 100.0 मल्टीप्लाई बाय बिल, तो यहाँ पे ये 5% बिल का आ जाएगा और बिल के अंदर हम क्या कर देंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे और वो हमारे पास टोटल बिल बन जाएगा। अगर 2000 से कम है बिल तो उसके अंदर कोई भी आपने सरचार्ज ऐड नहीं करना, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, एज पे जाएंगे टोटल बिल इज इक्वल टू बिल, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने यूजर को क्या करना है, जो उसका टोटल बिल है वो शो कर देना है, प्रिंट एफ बैकस्लैश एन योर बिल इज इक्वल इज आगे परसेंट एफ और परसेंट एफ की जगह पे क्या आएगा टोटल बिल, ठीक है। अब इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर लिखा आ रहा है एंटर यूनिट्स, ठीक है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे यूनिट्स एंटर करता हूँ 200, ठीक है। अब 200 यूनिट्स का बिल कितना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखें 200 यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर हम कंपेयर करते हैं 200 ग्रेटर देन 500 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगी, एल्स के ऊपर जाएगी। यूनिट्स 200 ग्रेटर देन 300 कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगी ये वाली स्टेटमेंट, एल्स के ऊपर चला जाएगा। तो एल्स के अंदर क्या यूनिट्स जो हमने 200 यूनिट्स एंटर किए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ, तो 400 आ जाएगा, 400 आपका बिल के अंदर चला जाएगा। उसके बाद फिर उसी 400 बिल के अंदर हमने 150 ऐड किया तो वो 550 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें जो बिल आया है 550 इज ग्रेटर देन 2000, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो बिल जो टोटल बिल है वो आपके पास 450 आना चाहिए, ठीक है। इसको चला के देखते हैं, तो यहाँ पे देखें आपके पास जो बिल है वो 550 आ रहा है। 200 को मल्टीप्लाई करना है, देखें यूनिट्स 300 से कम है तो पर यूनिट प्राइस 2 रुपीज होगी, तो 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, और उसके अंदर फिर हमने 150 बिल वाला ऐड किया तो हमारे पास 550 टोटल बिल आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लेट्स से 300 यूनिट्स ऐड करता हूँ, लेट्स से 400, ठीक है। तो 400 का जो बिल आ रहा है वो आ रहा है 2257.5, ठीक है। ये कैसे आ रहा है आप देखें, ये बिल जब आप कैलकुलेट करेंगे तो अब 400 है, आप 400 के ऊपर आप देखें यहाँ पे कहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ पे 400 ग्रेटर देन 300, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो 400 को मल्टीप्लाई कर देना आपने 5 के साथ, ठीक है। तो जब आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 2000 आ गया, तो आपके पास बिल 2000 ऐड हो गया यहाँ पे। उसके बाद फिर उस बिल के अंदर आपने ऐड करना है 150, तो आपके पास 2150 रुपया टोटल बिल बन जाएगा यहाँ, ठीक है। अब वो 2150 यहाँ से देखें इस कंडीशन के ऊपर जो ग्रेटर देन 2000 आ रहा है, तो इट्स मीन के 2150 का जो 5% हमने उसी के अंदर ऐड करना है तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा 2257.5, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है गूगल क्लासरूम के अंदर पूछ लें, ठीक है। इंशाल्लाह कल भी हम प्रोग्राम करेंगे और अगर टाइम बचा तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो है नेस्टेड इफ वो स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।